जो कैंडल था पीओसी के ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग भी इसके ऊपर दिया, तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि आज जो मार्केट है ये ऊपर रह सकता है और इस दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग के साइड। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इंट्राडे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है डायरेक्शन की, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता है और ये आपको 9:20 में ही पता होगा कि आज जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है। अब देखिए इसका पहले सबसे पहले बेनिफिट समझिए। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आज जो मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है तो इस दिन आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय के साइड पर ध्यान देंगे। हो सकता है आप ऑप्शंस को सेल करते हो तो आप पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, आपको ये पता चल जाए कि 9:20 में कि आज जो मार्केट है वो नीचे रह सकता है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप पुट को बाय कर सकते हैं या आप कॉल को भी सेल भी कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले इसको समझिए। अगर आपको ये पता चल गया कि आज जो मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है तो आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ कॉल के साइड, मतलब 50% तो हमारा यहीं पर मतलब क्या हो गया, जो डिस्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो गया, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल पर फोकस करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर मार्केट अगर नीचे जाने वाला है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट पर ध्यान देंगे और कॉल साइड पर ध्यान नहीं देंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट जो है वो रियल है या फेक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R फॉर रियल, F फॉर फेक। अगर रियल ब्रेकआउट है तो आपको ये पता चल जाएगा वॉल्यूम की मदद से कि ये जो ब्रेकआउट आ रहा है वो रियल है और उसमें किस प्रकार से आपको डायरेक्शन चेंज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट पे। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट सेलेक्ट किया है और आपको भी इसी पर यूज करना है क्योंकि जो वॉल्यूम प्रोफाइल जो इंडिकेटर हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर यूज करने जा रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर चार्ट में एप्लीकेबल है या जहाँ पर वॉल्यूम है। तो आपको पता होगा कि जो इंडेक्स का जो चार्ट है वहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग फ्यूचर का चार्ट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या करना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए और लेबल्स आपको अच्छे से दिखें। अब ये है लास्ट ट्रेडिंग सेशन 28 अप्रैल। तो आप एक यहाँ पर सवाल कर सकते हैं कि सर आप मुझे ये बताओ कि 28 अप्रैल को आप डायरेक्शन मुझे बताओ कि मुझे कैसे पता होगा कि 9:20 में मार्केट किधर जा सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, 27 अप्रैल का चार्ट देखना है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है, फिर 27 अप्रैल का जो फर्स्ट कैंडल है जो 9:15 उसके लो को कनेक्ट करना है लास्ट कैंडल से। तो ये मैंने लास्ट कैंडल को कनेक्ट कर दिया, तो ये है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रेड कलर की लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं POC, जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो लास्ट डे इस लेवल पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको एक्सटेंड करना है, तो मैं सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है 28 अप्रैल को, तो आप देखिए 9:20 में जो कैंडल है इस लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स कि इस दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड पर ध्यान देना है या आप पुट को सेल भी कर सकते हो। सेलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मैं अभी बताता हूँ कि आपको सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट क्यों होगा। जैसे कि आपने 9:20 का जैसे ही कैंडल ख़त्म हुआ, मतलब 9:15 to 9:20, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का, तो 9:15 to 9:20 ये है पहला कैंडल, आपको पता चल गया कि इस लाइन से ऊपर है तो आज मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय के साइड में ही ध्यान देना है। आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो आप उसे कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आने लग गया। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है जो POC को जो हमने एक्सटेंड किया है प्रीवियस डे का, ये इसके काफ़ी पास आ गया है, तो आप एक यहाँ पर कॉल को बाय कर सकते हो। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिट्रेसमेंट, एंड यहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर चला गया। तो जिन लोगों को ब्रेकआउट्स और रिट्रेसमेंट यूज करने आता है वो इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग की। तो जब मुझे 9:20 में ये पता चल गया कि आज मार्केट ऊपर रहने वाला है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पुट को सेल कर दूंगा। अगेन मार्केट मेरे इस लेवल के पास आ रहा है, अगेन मैं एक लॉट पुट को सेल कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता।
तो आई होप कि आपको ये 28th अप्रैल वाला डायरेक्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने डायरेक्शन को फाइंड आउट किया है। अब बात करते कि सर आपने तो एक दिन बताया, कम से कम 3-4 दिन का और बैक टेस्ट करके दिखाओ, तो बिल्कुल अभी हम लोग इसमें बैक टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पर सवाल आ सकता है कि सर अब मुझे 27th अप्रैल का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। अगेन सेम स्टेप है, मैं 4 से 5 बार करके दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। तो अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा एंड फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को सेलेक्ट करूँगा 9:15, 26th अप्रैल का, क्योंकि मुझे 27th का चाहिए, तो मैं एक दिन जो पहले जो ट्रेडिंग सेशन है उस पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 26th अप्रैल का पहला कैंडल है उसको क्लिक किया है उस पर, और जो लास्ट कैंडल है 3:25 का 26th अप्रैल, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। अगेन यहाँ पर हमारे पास POC आ गया, POC को अब एक्सटेंड कर देंगे और ये मैंने एक्सटेंड कर दिया लाइन। ये रही 27th अप्रैल की फर्स्ट कैंडल, ये क्या कह रहा है कि ये जो इस लाइन से ये ऊपर है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किस साइड ध्यान देना है, कॉल बाइंग के साइड ध्यान देना है। दैट मीन्स कि मैं आज के दिन सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय के साइड पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्केट है इस दिन वो पूरे दिन ये ऊपर ही रहा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रिट्रेसमेंट ट्रेड करना था तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से कि जब मुझे पता चल गया 9:20 में कि मार्केट आज ऊपर रहने वाला है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पुट को सेल कर दूंगा। दूसरा, अगेन मार्केट मेरे इस लेवल के आसपास आ रहा है, अगेन मैं यहाँ पर पुट को सेल कर दूंगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। उतना ही नहीं, आप यहाँ पर कॉल को भी बाय कर सकते थे, आप वेट करते कि जब मार्केट इस लेवल के आसपास आए तो आप यहाँ पर कॉल को बाय कर सकते थे। आपका जो रिस्क था ये इतना ही था, और ऊपर ये कितना भी जा सकता है, क्योंकि आपको 9:20 में ही पता था कि आज जो मार्केट है वो ऊपर रहने वाला है। तो आप रिट्रेसमेंट का भी वेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो रिस्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने 27th अप्रैल को किस तरह से डायरेक्शन को फाइंड आउट किया। सिंपली मैंने 26th अप्रैल का फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल को कनेक्ट किया, उसके बेसिस पर हमारे पास POC आ गया, एंड अगेन मैंने POC को एक्सटेंड कर दिया। पहला जो कैंडल था POC के ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग भी इसके ऊपर दिया, तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि आज जो मार्केट है ये ऊपर रह सकता है, और इस दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग के साइड या पुट सेलिंग के साइड पर ही ध्यान दिया। तो आई होप कि 27th अप्रैल का आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि सर मुझे 26th अप्रैल का बताओ, एक दो दिन का लेके एग्जांपल लेके मत समझाओ, कम से कम 4-5 दिन का दिखाओ, जिससे क्या होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक बार अगर मेरे को कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो पैसे तो मैं कमा ही लूँगा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 26th अप्रैल का। तो सर मुझे 26th अप्रैल को ट्रेड करना है, आप मुझे बताओ स्टेप बाइज प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 25th को आना है। ये रहा 25th का फर्स्ट कैंडल। अगेन यहाँ पर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, और ये इसका जो लो 25th अप्रैल का जो पहला कैंडल है 9:15 से 9:20, इसको सेलेक्ट करना है, और जो लास्ट कैंडल है उसको कनेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास POC आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। मार्केट जो पहला कैंडल जो था इसके नीचे ओपन हुआ, दैट मीन्स कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ पुट के साइड पर ध्यान देना है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां से भी आपको एक रिट्रेसमेंट मिला। अब बात आ गया कि सर यहां पर तो ब्रेकआउट आ गया, अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि ब्रेकआउट पर किस तरह से ट्रेड करना है, लेकिन मैंने यहां पर आपको एक चीज़ और नहीं बताया, और वो है इसका वॉल्यूम। तो आप इस कैंडल को ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का जो वॉल्यूम है इन सभी कैंडल से ज़्यादा इस वाले कैंडल पर ध्यान दीजिए जहाँ पर ब्रेकआउट आया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस जो है ब्रेकआउट दे रहा है किसी भी लेवल का, और उस कैंडल का वॉल्यूम भी मतलब ज़्यादा है, तो वो एक रियल ब्रेकआउट होता है। और ऐसे केसेस में क्या होता है ना, प्राइस के जो ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट 80%+ होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ट्रू ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट को हमने रियल कैसे बताया, वॉल्यूम के बेसिस पर, क्योंकि इस कैंडल का जो वॉल्यूम है ये प्रीवियस कैंडल से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर एक कॉल को बाय कर सकते थे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। जिनको ब्रेकआउट ट्रेड करने आता है दैट इज़ BO, जिनको रिट्रेसमेंट ट्रेड करना आता है, और जो डायरेक्शन के बेसिस पर ट्रेड करते हैं उनके लिए इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको वो सारे तरह के मेथड बता दिए जिसके बेसिस पर आप वॉल्यूम प्रोफाइल के हेल्प से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट, यहाँ पर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के लिए हमने किस चीज़ को यूज़ किया,
वॉल्यूम को यूज किया। तो वॉल्यूम प्रोफाइल जो इंडिकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कितने दिन का दिखा दिया, आई थिंक 3 डेज का दिखा दिया। अब और एक आध दो दिन का दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। मेरा जो काम है उसको इस तरह से सिखाना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस हो वो बिल्ड हो। तो सर अब मुझे 25th को ट्रेड करना है, आप मुझे ये बताओ कि किस तरह से मुझे डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ। वॉल्यूम का हमने हेल्प कब लिया, जब हमें यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट आया। याद रखिएगा, हमने वॉल्यूम का हेल्प तब लिया जब हमारे पास ब्रेकआउट आया। 25th अप्रैल को हमें ट्रेड करना है। सर आप मुझे बताओ कि आज कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करें। आपको कुछ नहीं करना है, 24th अप्रैल यहाँ पर जाइए, वॉल्यूम प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए, 915 जो लो है उसको कनेक्ट करिए लास्ट कैंडल से, 1525 ये मैंने सर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, सर यहाँ पर तो मतलब ये जो पहला कैंडल इसके नीचे चला गया तो आज तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पुट बाय के साइड पर ध्यान देना था, और ये तुरंत मतलब सर ऊपर चला गया तो यहाँ पर तो लॉस हो गया। तो कुछ एसएल्स भी हिट होंगे आपके, थोड़े बहुत जो एसएल होंगे वो आपके हिट होंगे, लेकिन एसएल आपके काफ़ी छोटे हैं। एंड इसके बाद क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन ऊपर रह गया, तो ये जो अगर मान लीजिए ये जो 10-20 पॉइंट का जो आपको लॉस हुआ था, यहाँ पर तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको ये भी समझना होगा कि कोई भी स्ट्रैटजी जो है वो 100% एक्यूरेसी नहीं देगी। तो सबसे बड़ा दिक्कत लोगों को यही है कि उनको 100% एक्यूरेट चाहिए, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर आपके एक छोटा सा एसएल हिट था, बट ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं फिर पूरे दिन जो मार्केट है इसके ऊपर ही रहा, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो इस प्रकार से डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि किस तरह से और यूज करना है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।